सौ फीसद ख़ुदाम को नमाजों का अती बनाएँ बाज़मात नमाज अगर नहीं भी पढ़ सकते तो घरों में बाज़मात पढ़ लें या कम कम अपनी नमाजें पढ़ें वही नहीं है तो फिर बाकी क्या करना है तभी तो, तो उल्ट कामों में महसूस हो जाते हैं तरबीय का तो बहुत बड़ा काम है बहुत बड़ा चैलेंज है इसको नहीं अगर करेंगे आप तो सारे जो है तबाह हो जाएँगे उनको ये जहन में डालते हैं तुम लोगों का ख्याल रखे तुम दुनिया को के तुम तरक्की कर जाओगे हाँ मजहब को छोड़ दो अहमदियों से इनकार कर दो चल चले जाओ फिर ठीक है फिर मज़ब्ब को छोड़ कर जो मर्जी करो फिर अल्लाह का मामला उनके साथ अगले जहान में जाके होगा लेकिन अगर यहाँ दावा है कि हम एहमदी भी हैं और फिर नमाजें भी नहीं इबादत भी नहीं अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल भी नहीं तो फिर दुनिया में भी सजा मिल जाती है और आफरत में भी मिल है तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा प्लान करना पड़ेगा समझाने के लिए लोगों को बाज लोग होते हैं जो हल्की सी समझ से समझ आ जाती है बाज लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा गहरा जा के समझाना पड़ता है तो मुख्तलिफ़ ग्रुप बनाएँ कौन से कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं ठीक है फिर उनके लिए उनके लिए फिर प्लान करें और कौन कौन लोग हैं जो उनको अप्रोच कर सकते हैं एक्सेस सही तरह हो और फिर वो उनकी तरबियत हो अकेला आदमी सेक्टरी तरबियत कुछ नहीं कर सकता मौसम तरबियत कुछ नहीं कर सकता या मौसम तरबियत कुछ नहीं कर सकता इसके लिए टीम बनानी पड़ेगी हर इलाके में वो टीम बनाएं, अच्छे लड़के बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे भी होते हैं उनको तरबियत की टीमों में शामिल करें और उनसे उनको यूटिलाइज़ करें सही तरह